अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों, अगर आप इस वक्त 35 से 40 हजार की कीमत में अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं और डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है, तो ये है रिव्यू स्पीकर मोबाइल बैटल ग्राउंड्स, जहां हम करेंगे इन 5 फोन्स का एक सख्त मुकाबला। और ये 5 फोन्स कौन से हैं, आप इंट्रो में तो देख ही चुके होंगे। तो हमारी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा फोन किस चीज में स्ट्रांग है, कहां वीक है, प्राइस से लेकर बिल्ड क्वालिटी, बैटरी, कैमरास, हर चीज पे बात करेंगे। और वीडियो के आखिर में हम देखेंगे कि इनमें से किस फोन ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिए, वो सेक्शन आप लोगों को बहुत ही पसंद आता है। और मैंने हमारे कम्युनिटी पेज पे एक पोल भी किया था कि इन 5 फोन्स में से हमारी रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी किस फोन को प्रेफर करेगी, वो पोल भी मैं आपसे वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। और जाहिर है हमारी आज की वीडियो में 5 फोन्स हैं, तो ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है और उसमें हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो अपने पॉपकॉर्न तैयार कर लें, अपने कोक के कैंस खोल लें और अगर इस वीडियो पे एक लाइक ड्रॉप कर देंगे तो हमारी टीम की हौसला अफजाई हो जाएगी। और मैं ये भी चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमसे अपनी राय भी शेयर करें कि इन 5 में से आपको कौन सा अच्छा लगा। तो हमेशा की तरह बात को शुरू करेंगे प्राइस से। सैमसंग गैलेक्सी A32 की रिटेल प्राइस 39,999 है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ। ये फोन जब लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस 42,500 रुपए थी, फिर उसको बढ़ा के 46,000 कर दिया गया था, लेकिन थैंक्स टू लोकल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में सैमसंग की प्राइस वापस नीचे आई है और अब ये फोन आपको बआसानी 36,000 से 37,000 की प्राइस में भी मिल जाएगा। फिर है रेडमी नोट 11, जिसे कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है और इसके 2 वेरियंट हैं, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज जो कि 38,000 का है, और 4GB रैम, 128GB स्टोरेज जिसकी रिटेल प्राइस 35,000 रुपए है। नेक्स्ट है रियलमी 9i, जिसे अगेन बहुत ही रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है और इसका एक ही वेरिएंट है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ, और इसकी रिटेल प्राइस है 37,000 रुपए। इसके बाद है ओप्पो A95, जो कि हमारी लिस्ट का सबसे महंगा फोन है। यहाँ रिटेल प्राइस 42,000 रुपए है, लेकिन यह आपको मार्केट से 40,000 तक का आराम से मिल जाएगा और यही वजह है कि मैंने इस फोन को भी हमारी वीडियो में आज शामिल किया है। और आखिर में है हमारी वीडियो का सबसे सस्ता फोन इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो, जिसकी रिटेल प्राइस 35,000 रुपए है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ। और दोस्तों, ये बात भी जहन में रखें कि लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन के लिए हम आज इन फोन्स के हाईएस्ट रैम वेरिएंट्स को कंसीडर करेंगे। तो अब अगर हम कंपैरिजन को शुरू करें तो हमारी पहली कैटेगरी है प्राइस। तो लोएस्ट प्राइस के साथ इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो फर्स्ट प्लेस पे है, जबकि रियलमी 9i 37,000 के साथ सेकंड प्लेस पे है। हमारा हर दिल अजीज रेडमी नोट 11 38,000 के साथ थर्ड प्लेस पे है, और फिर फोर्थ और फिफ्थ प्लेस में हैं सैमसंग गैलेक्सी A32 और ओप्पो A95। इन दोनों की प्राइसेस हमारे आज के फोन्स में सबसे ज्यादा हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ के जरा करीब से इन फोन्स को चेकआउट करते हैं। तो शुरू करेंगे गैलेक्सी A32 से, जिसकी पूरी डिजाइन फ्लैट और स्क्वायरिश है, बैक फ्लैट और एजेस पे हल्के से कर्व्स हैं। ये फोन हाई ग्लॉस फिनिश में है और इसका ओवरऑल लुक काफी ट्रेंडी सा है। इसके कलर ऑप्शंस भी सारे पेस्टल कलर्स हैं और ये फोन बहुत ही क्लीन और मिनिमलिस्टिक से डिजाइन के साथ है। गैलेक्सी A32 पे आगे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। Redmi Note 11 की डिजाइन इससे थोड़ी अलग है, यहाँ बैक की एजेस कर्व्ड हैं जबकि फ्रेम फ्लैट है, बैक पे मैट फिनिश रखी गई है और ये फोन निस्बतन स्लिम और कॉम्पैक्ट है, 8.1mm की थिकनेस और 178g के वजन के साथ। इसका डिस्प्ले छोटा है तो ये फोन वन हैंडेड यूसेज के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और यहाँ आगे वाली तरफ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है और ये फोन IP53 स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ आता है। फिर है Realme 9i, जिसकी बैक को हाई ग्लॉस फिनिश में रखा गया है, लेकिन इस फिनिश में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्योंकि जब लाइट इस फोन पे पड़ती है तो इस पे ये वर्टिकल लाइंस दिखती हैं और इन वर्टिकल लाइंस में हल्का सा प्रिज्म इफेक्ट भी महसूस होता है। ये फोन मीडियम साइज्ड है, ना ही बहुत ही कॉम्पैक्ट और ना ही फैबलेट। बैक की एजेस कर्व्ड हैं, यहाँ फ्रेम भी कर्व्ड है और आगे वाली तरफ हमें ड्रैगन ट्रेल प्रो ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। आगे बढ़े तो ओप्पो A95 की बैक की एजेस भी कर्व्ड हैं और इसकी बैक पे भी वो सॉफ्ट टच वाली मैट फिनिश है। ये वाला ग्लोइंग रेनबो कलर मुझे गोला गंडा / ऑरा ग्लो टाइप की वाइब्स दे रहा है। फिजिकल डिमेंशंस में भी A95 निस्बतन स्लिम और लाइट वेट है, 8mm की थिकनेस और 180g के वजन के साथ। और फिर आखिर में है हमारा इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो, जो कि एक फुल ऑन फैबलेट साइज फोन है। साइज में ये फोन इस वक्त के बड़े फोन्स में शुमार होता है। ये फोन उन लोगों के लिए डिजाइंड है जिन्हें मेरी तरह बड़े फोन्स अच्छे लगते हैं, ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट चाहिए होती है। इसकी थिकनेस और वजन भी ज्यादा है, 8.7mm और 209g के साथ। यहाँ फ्रेम कर्व्ड है और बैक पे ये दानेदार शिमरी टाइप की चमकीली फिनिश है। अब अगर इन सारे फोन्स के कैमरा मॉड्यूल्स का कंपैरिजन करें तो गैलेक्सी A32 में तो सिरे से कोई कैमरा पंप है ही नहीं, यहाँ सारे कैमरास फोन की बॉडी में एम्बेडेड हैं, जबकि Redmi Note 11, Realme 9i और Oppo A95 तीनों में ही बहुत स्लिम कैमरा मॉड्यूल्स दिए गए हैं, जबकि Infinix Note 11 Pro अपनी डिजाइन फिलोसफी के मुताबिक सबसे बड़े और चंकी कैमरा मॉड्यूल के साथ है।
तो दोस्तों अब हम बिल्ड और डिजाइन में इन फोन्स में से विनर्स चूज करेंगे। इसके लिए मैं इस कैटेगरी को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, एक है बिल्ड और मटेरियल्स की क्वालिटी और दूसरे हैं लुक्स। तो बिल्ड और मटेरियल्स में गैलेक्सी A32 की गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और रेडमी नोट 11 की गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन प्लस IP53 स्प्लैश रेजिस्टेंस की वजह से ये दोनों फोन्स फर्स्ट प्लेस पे टाई करते हैं, जबकि Realme 9i को मैं ड्रैगन ट्रेल प्रो ग्लास की वजह से सेकंड प्लेस दे रहा हूं और Oppo A95 और Infinix Note 11 Pro में कोई गोरिल्ला ग्लास या IP सर्टिफिकेशन ना होने की वजह से इन दोनों फोन्स को मैं थर्ड प्लेस दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों लुक्स के हवाले से एक विनर सेलेक्ट करना हमेशा थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि हर किसी की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। कुछ लोगों को मैट फिनिश अच्छी लगती है, कुछ लोगों को ग्लॉसी फिनिश वाले फोन ज्यादा पसंद आते हैं, किसी को बड़े फोन पसंद आते हैं तो किसी को छोटे फोन अच्छे लगते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि आप लोग मेरी प्रेफरेंसेस से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मुझे पर्सनली Oppo A95 और Redmi Note 11 इन सारे फोन में सबसे खूबसूरत लगे मैट फिनिश बैक और पतले कैमरा मॉड्यूल्स की वजह से। तो इन दोनों फोन्स को मैं फर्स्ट प्लेस दे रहा हूं, जबकि Galaxy A32 की मिनिमलिस्टिक डिजाइन और कलर चॉइसेस भी मुझे बहुत पसंद आए हैं, तो इसके लिए सेकंड प्लेस। जबकि थर्ड प्लेस पे मेरे लिए Realme 9i और Infinix Note 11 Pro की भी टाई है, क्योंकि मुझे पर्सनली हाई ग्लॉस फोन्स इतने पसंद नहीं है और Infinix Note 11 Pro की ये चमकीली दानेदार फिनिश भी मेरे स्टाइल से मैच नहीं करती। लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, हो सकता है आपकी मुख्तलिफ हों। दोस्तों अब आते हैं डिस्प्ले पे। तो यहाँ आप इन पांचों फोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स देख सकते हैं। नोटेबल चीजें ये हैं कि Infinix Note 11 Pro का डिस्प्ले 6.95 इंचेस की साइज के साथ सबसे बड़ा है, जबकि Galaxy A32 का डिस्प्ले सबसे छोटा है। Oppo A95 और Redmi Note 11 के डिस्प्लेज भी Galaxy A32 से बस बाल बराबर ही बड़े हैं और Realme 9i में दरमियानी साइज का डिस्प्ले है। दोस्तों अब डिस्प्लेज को भी रैंक करने के लिए आप बहुत सारी चीजें कंसिडर कर सकते हैं। पहली चीज है डिस्प्ले टाइप, यानी कि ये IPS LCD डिस्प्ले है या AMOLED डिस्प्ले है। दूसरी चीज है रिफ्रेश रेट, 60 हर्ट्ज है या हाई रिफ्रेश रेट है। और तीसरी चीज है नॉच टाइप। अब यहां बाकी सारे फोन्स में होल पंच कटआउट्स हैं सिवाय गैलेक्सी A32 के, जिसके अंदर एक ड्यू ड्रॉप नॉच दी गई है, लेकिन इसका डिस्प्ले मुझे इतना पसंद आया कि मैं इसे एक्सक्यूज करने के लिए तैयार हूं। फिर दूसरी भी चीजें हैं, जैसे कि नेट्स की डिस्प्ले कितना ब्राइट हो जाता है या फिर कलर्स की क्वालिटी, लेकिन इस वीडियो को मैं थोड़ा सिंपल रखना चाह रहा हूं और भाई कंप्लीट करके इसको घर भी जाना है। तो अब आ जाए रैंकिंग्स पे। तो डिस्प्ले के हवाले से मैंने Galaxy A32 और Redmi Note 11 को फर्स्ट प्लेस दी है, क्योंकि इन दोनों में AMOLED पैनल्स हैं और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है। मेरी नजर में इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले 35 से 40,000 वाली प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास हैं। फिर सेकंड प्लेस पे मैंने Oppo A95 और Infinix Note 11 Pro को रखा है, और इसके पीछे थॉट ये है कि एक 120 हर्ट्ज के IPS LCD पैनल और 60 हर्ट्ज के AMOLED पैनल, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। AMOLED पैनल आपको ज्यादा बेहतर कलर्स देगा, ज्यादा डीपर ब्लैक्स देगा, जबकि एक IPS LCD पैनल भी हाई रिफ्रेश रेट के साथ बहुत सारे गेमर्स को काम आ सकता है। गेमिंग के फायदे होते हैं, आपका फोन इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो जाता है। फिर थर्ड प्लेस पे मैंने Realme 9i को रखा है, क्योंकि इसमें 90 हर्ट्ज का IPS LCD पैनल है, जो कि मेरी नजर में बाकी सारे फोन में सबसे अंडर स्पेक डिस्प्ले है। अब यहां मैं चाहता हूं कि हम ऑडियो एक्सपीरियंस पे भी बात कर लें, और ऑडियो एक्सपीरियंस में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूल स्पीकर्स। तो Redmi Note 11, Realme 9i और Infinix Note 11 Pro, इन तीनों में ड्यूल स्पीकर्स हैं, जिसकी वजह से मैं इन तीनों फोन्स को एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूं, जबकि Oppo A95 और Galaxy A32 में सिर्फ बॉटम फायरिंग सिंगल स्पीकर्स हैं और ये दोनों फोन्स इस एक्स्ट्रा पॉइंट से महरूम रह जाएंगे। और यहां मीडिया कंजम्पशन से ही एक रिलेटेड फीचर पर बात कर लेते हैं, और वो है वाइड वाइन सर्टिफिकेशन। जहां L1 सर्टिफिकेशन का मतलब है कि Netflix जैसी एप्स फुल HD कंटेंट दिखा सकेंगी, जबकि L2 या L3 का मतलब है कि Netflix मैक्सिमम 540p या 480p कंटेंट दिखा सकेगी। ये बात ध्यान में रखें कि इस वाइड वाइन सर्टिफिकेशन का Facebook या YouTube पे वीडियोस देखने से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ Netflix और उस टाइप की एप्स के लिए होती है। और यहां आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि इन पांच में से चार फोन्स में वाइड वाइन L1 की सर्टिफिकेशन मौजूद है, जबकि सिर्फ Infinix Note 11 Pro में L3 की सर्टिफिकेशन है। तो Infinix Note 11 Pro के अलावा बाकी सारे फोन्स को इस पे भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, सॉरी Infinix। एनीवे, अब आते हैं एक ऐसी कैटेगरी पे जिसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा हमेशा इंटरेस्ट होता है, और वो है पावर, कि इनमें से कौन सा फोन कितना पावरफुल है। तो उससे पहले हम इन फोन्स के परफॉर्मेंस स्पेक्स चेक कर लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी वैरायटी है चिपसेट्स, GPUs और रैम कॉन्फ़िगरेशन की, लेकिन मुझे पर्सनली 6 और 8 GB रैम में डे टू डे यूसेज में इतना ज्यादा फर्क नहीं महसूस होता। तो हम अज्यूम करेंगे कि ये लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन है, और सीधा जाएंगे इन फोन्स के बेंचमार्क्स पे। और यहां मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ ये देख के Infinix Note 11 Pro ने बाकी सारे चिपसेट्स की धज्जियां उड़ा दी। MediaTek Helio G96 एक बहुत ही मंजा हुआ चिपसेट है,
और इसके बाप दादा भी बहुत ही मंझे हुए थे। Helio G95 और G90T मिड रेंज के पावर यूजर्स और गेमर्स में ब्लॉकबस्टर चिपसेट्स थे, तो कोर पावर और गेमिंग के लिए इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो बाजी ले जाता है और यहाँ ये फर्स्ट प्लेस पे है। फिर आते हैं रेडमी नोट 11 और रियलमी 9 आए और इन दोनों फोन्स में लगा स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसकी खास बात है मीडियम पावर के साथ बहुत ज्यादा एफिशिएंसी, तो इन दोनों फोन्स को मैं पावर की हद तक सेकंड प्लेस दूंगा। और थर्ड प्लेस में है मीडियाटेक हीलियो G80 और स्नैपड्रैगन 668। अब इस स्नैपड्रैगन 668 का स्कोर हीलियो G80 से थोड़ा कम है लेकिन एफिशिएंसी हीलियो G80 से बेहतर है और ये दोनों चिपसेट्स ही काफी अंडर पावर्ड हैं, हमें 20 से 25,000 वाले प्राइस पॉइंट पे भी दिखते हैं। लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं कि पावर ही सब कुछ नहीं होती, आजकल की दुनिया में एफिशिएंसी भी बहुत मायने रखती है और इन फोन्स की एफिशिएंसी का जो सबसे बड़ा डिटरमिनिंग फैक्टर होता है वो होता है कि एक फोन का चिपसेट कितने नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस में बनाया गया है। यह नंबर जितना ही कम हो उतना ही ज्यादा एफिशिएंट वो फोन समझा जाता है। और यहाँ ये बात भी नोट कर लें कि इन सारे फोन्स की बैटरी साइज सेम है, 5000 mAh पावर। तो अब आ जाए एफिशिएंसी रैंकिंग्स पे, तो मैंने Redmi Note 11 को 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर और AMOLED डिस्प्ले की वजह से फर्स्ट प्लेस दी है। AMOLED डिस्प्लेज LCD डिस्प्लेज से ज्यादा पावर एफिशिएंट माने जाते हैं। सेकंड प्लेस पे है Realme 9i 6 नैनोमीटर के सेम चिपसेट लेकिन LCD डिस्प्ले के साथ, जबकि Oppo A95 ने अपने 11 नैनोमीटर के स्नैपड्रैगन चिप और AMOLED डिस्प्ले के साथ थर्ड पोजीशन ली है। Galaxy A32 ने 12 नैनोमीटर के चिपसेट और AMOLED डिस्प्ले के साथ फोर्थ पोजीशन ली है और Infinix Note 11 Pro 12 नैनोमीटर के पावरफुल Helio G96 चिप और 120 हर्ट्ज के IPS LCD डिस्प्ले के साथ एक एब्सोल्यूट गैस गजलर डिवाइस है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी में ये फोन लास्ट आया है। और यहां एफिशिएंसी से हमें दो बड़े फायदे होते हैं, एक तो ये कि ज्यादा एफिशिएंट फोन कम बैटरी इस्तेमाल करता है तो बैटरी लाइफ बेहतर हो जाती है, और दूसरा है कि एक ज्यादा एफिशिएंट फोन ज्यादा तेज चार्ज होता है। अब यहाँ Galaxy A32 की मरियल 15 वॉट की अडैप्टिव फास्ट चार्जिंग के अलावा बाकी सारे फोन्स 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं, लेकिन फिर भी चार्जिंग स्पीड्स में थोड़ा फर्क है। Redmi Note 11 60 मिनट में इन सब फोन्स में से तेज चार्ज होता है, जबकि Oppo A95, Realme 9i और Infinix Note 11 Pro तकरीबन 70 से 80 मिनट में पूरे चार्ज हो जाते हैं। और Galaxy A32 तो आपको सुलाई देगा, इतना स्लो है, इनफैक्ट इस फोन में दुनिया की स्लोएस्ट फास्ट चार्जिंग दी गई है। अब दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हार्डवेयर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के साथ साथ एक फोन का सॉफ्टवेयर भी बहुत मायने रखता है, और अगर बात करें इंटरफेस पे तो ये सारे फोन्स एंड्रॉयड 11 के साथ आते हैं लेकिन सबके ऊपर स्किनिंग और मॉडिफिकेशंस अलग अलग तरह की हैं। Galaxy A32 Samsung की One UI के साथ है, जबकि Redmi Note 11 में Xiaomi की Mi UI लगी हुई है। Infinix Note 11 Pro में XOS है तो Oppo A95 में Oppo की अपनी ColorOS है, लेकिन इन सारे फोन्स में मेरी फेवरेट है Realme की Realme UI, और इसकी वजह है कि ये इंटरफेस स्टॉक एंड्रॉयड से बहुत ज्यादा क्लोज है, जिसका मतलब है कि इस इंटरफेस का एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा ही है जैसा गूगल ने इंटेंट किया था एंड्रॉयड को डिजाइन करते हुए। स्टॉक एंड्रॉयड जैसे इंटरफेसेस ज्यादा लाइट होते हैं और स्मूथली चलते हैं, और मेरी नजर में पाकिस्तानी बजट और मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट्स में Realme UI सबसे बेस्ट इंटरफेस है। इसके बाद मेरे लिए एक क्लोज सेकंड Samsung की One UI है, और इसकी वजह है कि ये इंटरफेस काफी हद तक वैसा ही एक्सपीरियंस देता है जैसा आपको Samsung के महंगे फोन्स में मिलता है, तो आपको उस R&D और उन एल्गोरिथम्स का फायदा होता है जो Samsung अपने महंगे और फ्लैगशिप फोन्स के लिए डेवलप करती है। और फिर थर्ड प्लेस पे मैं Redmi Note 11, Infinix Note 11 Pro और Oppo A95 को रखूंगा। इन तीनों के इंटरफेसेस ओरिजिनल एंड्रॉयड से बहुत ज्यादा मॉडिफाइड हैं, डेली यूसेज के लिए ठीक हैं लेकिन मुझे पर्सनली इतने पसंद नहीं हैं। तो दोस्तों अब करते हैं हमारी आज की आखिरी कैटेगरी पे बात, यानी कि कैमरास, लेकिन जाना कहीं भी नहीं क्योंकि उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन सारे फोन्स का फाइनल रिजल्ट। लेकिन पहले बात होगी कैमरास पे, और ये कंपैरिजन हमेशा थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि कैमरास में बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाए, तो मैं कंपैरिजन करूंगा तीन चीजों पे। एक है हार्डवेयर के स्पेक्स के कितने मेगापिक्सल का कैमरा है और कितने कैमरास हैं, दूसरी है इमेज क्वालिटी, और तीसरी है लो लाइट परफॉर्मेंस। तो इन सारे कैमरास के हार्डवेयर स्पेक्स आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं। Galaxy A32 और Infinix Note 11 Pro दोनों में 64 मेगापिक्सल के मेन कैमरास हैं, जबकि Redmi Note 11 और Realme 9i में 50 मेगापिक्सल के कैमरास हैं। फिर Oppo A95 में 48 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि इस कंपैरिजन में सबसे कम है। Galaxy A32 और Realme 9i दोनों में क्वाड कैमरा सेटअप्स दिए गए हैं और दोनों में 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरास हैं, लेकिन A32 के मैक्रो और डेप्थ सेंसर्स दोनों 5 मेगापिक्सल के हैं, जबकि बाकी सारे फोन्स में 2 मेगापिक्सल के हैं। और Note 11 Pro वाहिद फोन है जिसमें हमें एक टेलीफोटो कैमरा मिलता है और वो भी 13 मेगापिक्सल का।
अगर इमेजेस के कुछ सैंपल्स देखें तो यहाँ आउटडोर लाइटिंग में गैलेक्सी A32 की इमेज सबसे अच्छी है, अच्छी डिटेल्स, अच्छे कलर्स। जबकि इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की इमेज भी शार्प तो है, लेकिन मुझे कलर्स इतने मजे के नहीं लगे और थोड़ा वार्म सा टिंट भी है। लेकिन सरप्राइजिंगली ओप्पो A95 की इमेज में 48 मेगापिक्सल के लोएस्ट मेगापिक्सल काउंट के बावजूद कलर्स और डायनामिक रेंज निस्बतन अच्छी थी। और जहां तक बात है रियलमी 9 आई की, तो यहां मुझे डायनामिक रेंज अच्छी नहीं लगी, शेडोज थोड़े थोड़े क्रश हो रहे हैं, जबकि Redmi Note 11 ने तो डायनामिक रेंज की धज्जियां उड़ा दी हैं और शेडोज बिल्कुल ही क्रश कर दिए हैं। इंडोर इमेजेस पे आ जाएं तो यहां भी गैलेक्सी A32 की इमेज बेस्ट है, फॉलोड बाय ओप्पो A95, जबकि इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो मुसलसल इंडोर लाइटिंग में स्ट्रगल कर रहा था और इन्फिनिक्स और रियलमी दोनों ने वाइट बैलेंस खराब कर दिया है, जबकि Redmi Note 11 ने यहां थोड़ी ज्यादा ही कूल और ब्राइट इमेज ली है, दिखने में अच्छी लगती है लेकिन नेचुरल नहीं है। और आखिर में आ जाए लो लाइट परफॉर्मेंस पे, तो यहां सारे फोन्स के नाइट मोड्स ऑन हैं और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की, नो सरप्राइज देयर, क्योंकि इसमें 64 मेगापिक्सल का सेंसर और f1.7 का एपर्चर है। इसके बाद आता है गैलेक्सी A32 और इसमें भी 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, जिसकी वजह से लो लाइट परफॉर्मेंस बेहतर है। फिर है ओप्पो A95, जिसने 48 मेगापिक्सल के सेंसर होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कारकर्दगी दिखाई दी है। इसके बाद आता है रियलमी 9i, परफॉर्मेंस नॉट दैट ग्रेट। और आखिर में है रेडमी नोट 11 और इसके साथ तो ऐसा लगता है कि नाइट मोड है ही नहीं। तो अब अगर हम इन कैमरास को रैंक करें तो मेरी नजर में गैलेक्सी A32 हार्डवेयर और कैमरा एल्गोरिथम्स में टॉप प्लेस ले जाता है, इसकी इमेजेस कंसिस्टेंटली अच्छी रही हैं। फिर सेकंड प्लेस पे है ओप्पो A95, जिसका कैमरा 48 मेगापिक्सल के कम रेजोल्यूशन का है लेकिन सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग ऑन पॉइंट रही है। थर्ड प्लेस पे है इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो, जिसमें 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, यहाँ इमेजेस डिटेल्ड होती हैं और लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन इमेज प्रोसेसिंग और कलर्स में थोड़ा मार खाता है। इसके बाद मैं रियलमी 9i को चूज करूंगा, जिसकी आउटडोर इमेज सही थी, लो लाइट परफॉर्मेंस एवरेज थी, लेकिन इनडोर लाइटिंग में वाइट बैलेंस काफी ऑफ था। और बिल्कुल एंड पे है Redmi Note 11, जिसकी इमेजेस में मुझे कंसिस्टेंटली डायनामिक रेंज बुरी दिखी है और लो लाइट परफॉर्मेंस में भी ये कैमरा बहुत ही वीक है। अब अगर आ जाए सेल्फी कैमरास पे, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि गैलेक्सी A32 का हार्डवेयर यानी कि 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सबसे बेस्ट है। फिर Realme, Oppo और Infinix तीनों में 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमराज हैं, जबकि Redmi एक बार फिर बॉटम पे है 13 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ। लेकिन यहाँ अगर हम इमेज क्वालिटी की बात करें तो गेम काफी डिफरेंट है, क्योंकि मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में ओप्पो की गेम बहुत ही सॉलिड होती है। मुझे ओप्पो A95 की सेल्फीज की क्वालिटी सबसे बेस्ट लगी। सेकंड प्लेस पे मैं रियलमी 9i को रख रहा हूँ, यहाँ भी सॉफ्टवेयर की गेम काफी अच्छी है, लेकिन फॉर सम रीजन इसकी इमेजेस में कलर्स थोड़े कम सैचुरेटेड थे। थर्ड प्लेस पे मेरे लिए इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो है, जिसकी इमेजेस में बहुत ज्यादा ओवर शार्पनिंग थी, लेकिन ओवरऑल इमेजेस फिर भी गैलेक्सी A32 और रेडमी नोट 11 दोनों से बेहतर थी। गैलेक्सी A32 सबसे हैवी मेगापिक्सल काउंट होने के बावजूद भी आउटडोर में सेल्फीज की हाइलाइट्स ओवर एक्सपोज कर रहा था और इंडोर लाइटिंग में भी अजीब सा फेडेड सा लुक दे रहा था। Redmi Note 11 के तो सेल्फी कैमरा ने मुझे बिल्कुल ही डिसअपॉइंट कर दिया है, 13 मेगापिक्सल के लो मेगापिक्सल काउंट की वजह से यहां इमेजेस बहुत ही सॉफ्ट थी। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं फाइनल रिजल्ट्स की तरफ, और अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में हैं तो यार तुसी ग्रेट हो, नीचे कमेंट्स में रिव्यू स्पीक फैमिली लिख के खुद को जाहिर करें। तो ये हैं हमारी आज की वीडियो के फाइनल रिजल्ट्स, इनके लिए हम एक पॉइंट्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। किसी भी कैटेगरी में फर्स्ट आने के 5 पॉइंट्स हैं और लास्ट आने का 1 पॉइंट है, तो रेडी हो जाओ। फर्स्ट पोजिशन पर आया है Redmi Note 11, जिसने 45 पॉइंट्स लिए हैं, और मुझे इसमें बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं है, क्योंकि इसका प्रीडेसेसर Redmi Note 10 भी एक ब्लॉकबस्टर डिवाइस था, वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस ऑफ लास्ट ईयर था और हमेशा मार्केट में सोल्ड आउट रहता था। और अब 90 हर्ट्ज के AMOLED डिस्प्ले, बहुत ही एफिशिएंट Snapdragon 680 चिपसेट, खूबसूरत लुक्स और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ Redmi Note 11 भी एक फैन फेवरेट बनने जा रहा है। फिर सेकंड प्लेस पे आया Realme 9i, और इसमें मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैं पर्सनली Realme 9i को सेलेक्ट नहीं करता इसके डिस्प्ले की वजह से, लेकिन इसकी प्राइस, एफिशिएंट चिपसेट, जबरदस्त इंटरफेस और अच्छे सेल्फी कैमरा ने इसे पार लगा दिया। इसके बाद थर्ड प्लेस पे हमारे पास ओप्पो A95 और गैलेक्सी A32 के बीच एक टाई है। ओप्पो A95 को इसके कैमरा ने बहुत सपोर्ट किया है, हम सब जानते हैं कि ओप्पो की कैमरा गेम मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में कितनी सॉलिड है, और ये फोन दिखने में भी मुझे इन सारे फोन्स में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा। और अगर आ जाएं गैलेक्सी A32 पे, तो ये भी मेरी नजर में ओवरऑल एक बहुत ही सॉलिड फोन है। इसकी बिल्ड क्वालिटी, बड़ी बैटरी, इसका बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले और जबरदस्त बैक कैमरा।
बस ये फोन अपने G80 चिपसेट, 15 वाट की चार्जिंग और सेल्फी कैमरा परफॉर्मेंस की वजह से पीछे रह गया। लेकिन यहाँ ये बात भी जहन में रखें कि हमने इस वीडियो में ब्रांड की जो स्ट्रेंथ है और ब्रांड का जो नेम है उसको खातिर में नहीं लिया है। अगर वो खातिर में लेते तो सैमसंग को और भी ज्यादा पॉइंट्स मिलने थे। और फिर आखिर में है इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो। लेकिन यहाँ इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो के डिफेंस में मैं ये जरूर कहूंगा कि ये फोन ज्यादातर पावर यूजर्स और हैवी गेमर्स के लिए डिजाइंड है। ये फोन इस लिस्ट का सबसे पावरफुल फोन है और सबसे सस्ता फोन भी है। और इसके कुछ मार्क्स मैंने इंटरफेस और इसके लुक्स पे काटे थे और वो दोनों मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस थी। हो सकता है कि आप उनसे अग्री ना करें तो उस सूरत में इस फोन को बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आप इस लिस्ट को देख के ये सोचें कि मैं इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो को बुरा बोल रहा हूँ। ओवरऑल ये भी एक बहुत ही सॉलिड डिवाइस है। और अगर हम इस लिस्ट के विनर को देखें, रेडमी नोट 11, अगर आप एक कैमरा एंथुजियास्ट हैं तो बेहतर होगा अगर आप इस फोन से दूर रहें। तो इस लिस्ट को कंपाइल करने का मकसद ये है कि आप हर एक कैटेगरी में देख सकें कि कौन सा फोन कैसा परफॉर्म करता है और फिर अपनी प्रायोरिटीज और अपने इस्तेमाल के मुताबिक अपने लिए एक अच्छा फोन सेलेक्ट कर सकें। खैर, अब हम देख लेते हैं कि इन 5 फोन्स के मुताबिक हमारी रिव्यू स्पीक की कम्युनिटी की क्या राय है। तो आप में से 47% लोगों ने रेडमी नोट 11 को चूज किया, नो सरप्राइज देयर। 34% ने गैलेक्सी A32 को चूज किया, आई एम श्योर इसमें सैमसंग के ब्रांड नेम का भी कमाल है। 10% लोगों ने इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो चूज किया, जबकि रियलमी 9i सिर्फ 6% लोगों ने और ओप्पो A95 को 4% लोगों ने सेलेक्ट किया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अपना अगला फोन सेलेक्ट करने में काम आएगी। हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें पता चली हो जो शायद आपको पहले ना पता हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस पर एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आखिर तक देखने का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह।